बलौदा बाजार हिंसा के बाद कांग्रेस के साथ सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया। ये टीम गरौदपुरी धाम स्थित ग्राम महकोनी पहुंची। बता दें कि महकोनी वही जगह है जहां पर असामाजिक तत्वों ने जैद खान के साथ तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, कविता प्राण लहरे, बिलाईगढ़ विधायक शेषराज हरवंश, पद्मा मनहर, हितेंद्र ठाकुर समेत कांग्रेस कार्यकर्ता महकोनी के अमर गुफा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के जांच दल ने गिरौदपुरी धाम में पूजा अर्चना की और साथ ही साथ अमर गुफा की घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। जांच टीम के संयोजक डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा है कि जैद खान को क्षतिग्रस्त किया गया है, तब FIR भी नहीं की गई थी। समाज के लोग मांग कर रहे थे लेकिन कमेटी बनाकर मामले की जाँच की जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने सरकार पर हमला बोलते हुए छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। समाज हमेशा मांग करते रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की लापरवाही के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके लिए ये इस तरह की घटना हुई है। और पूरे प्रदेश में आप लोग देख रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। सतनामी समाज के लोगों ने आंदोलन किया कि हमारे जो अपराधी हैं उसको पकड़ा जाए, लेकिन सरकार द्वारा न उस पर जाँच की गई न कोई कार्रवाई की गई, इसलिए इस तरह की घटना हुई है। उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शासन प्रशासन जिम्मेदार है। हमारे जिनको जेल भेजा गया है, कहते हैं हम 200 लोगों को पकड़े हैं, तुम 200 लोगों का नाम प्रकाशित क्यों नहीं कर रहे हैं? नाम प्रकाशित करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो निरपराध लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है, तो जो इसमें दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और जो दोषी नहीं है उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई सरकार को नहीं करना चाहिए।